आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जांजगीर चांपा जिले में राहौत के सरकारी शराब दुकान से 4,16,000 रुपए लेकर फरार होने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर सिरीनारायण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से चोरी किए गए रकम में से 3,98,650 रुपए नकदी और 15,000 रुपए का मोबाइल जब्त किया गया है। प्रार्थी किशन बंजारे राहौत देसी भट्टी का सुपरवाइजर ने रिपोर्ट किया कि 6-7 तारीख का दो दिन का बिक्री रकम 4,16,040 रुपया नीलकमल खूटे लेकर के फरार हो गया है। 9 तारीख को रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 173 धारा 409 भादवी कायम कर योजना में लिया गया था। नीलकमल का तलाश करते रहा, नीलकमल को पकड़ा गया। उससे अभी तक 3,98,650 रुपया बरामद किया गया है और 17,390 रुपया खर्च कर देना बोलता है, जिसमें एक मोबाइल भी खरीदा है, वो 15,000 का मोबाइल खरीदा है, उसे भी जब्त किया गया है और आज गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा जा रहा है। नीलकमल, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया था, बता के ले गया था कि मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस लौटा दूँगा। उसके बाद मैं तो 4-5 दिन बाद वापस लौटा दिया पैसे। वही राशि आपने लौटा? पूरी, यस सर। 4,16,000 मोबाइल वोबाइल खरीदा, उसमें एक मोबाइल 3,98,000 बता दिया हूँ, एक मोबाइल है, टोटल अमाउंट बता दिया। ऐसा क्यों किया आपने? अभी तो पर्सनल यूज़ के लिए ले गया था, लेकिन फिर बोले कि वापस कर दो करके, तो वापस कर दिया। आरोपी नीलकमल को उसके घर मालखरौदा थाना क्षेत्र के नवा गांव से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि राहत शराब दुकान के सुपरवाइजर ने 10 मई 2019 को सिरीनारायण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि शराब दुकान का सेल्समैन नीलकमल खूटे दो दिन की बिक्री का पैसा 4,16,000 लेकर फरार हो गया है। पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। इसी आधार पर आज मुखबिर से आरोपी के घर में मौजूद होने की सूचना पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN न्यूज़।